वक्त सीमा हैदर खुद मौजूद है। सीमा, सबसे पहला सवाल, क्या क्या पूछताछ हुई आपसे, क्या क्या सवाल किए गए थे, क्या क्या एटीएस ने क्या क्या पूछा? मैम वही जो मैं मतलब शुरू से लेकर एंड तक हाँ। पैदाइश से लेकर आज तक जिंदगी तक का हाँ। और जो भी सच था मैंने सब बता दिया जी मैम। मुझे ये बताइए, ये बात निकल कर आ रही है कि शायद आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, अगर आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा तो आप वहाँ जाकर क्या करेंगी, दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती। अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरे दिमाग से चलने का या ना चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ होगा ही नहीं, मैं तो ख़त्म ही हो जाऊँगी। आपकी एक दोस्त भी सामने आई हैं, वो कह रही है कि आप पे कई सारे सवाल उठाए उसने, और भी कई सारे लोग आए, फूफा फूफी फल अच्छा कई सारी अच्छा चीज़ें आई हैं, तो ऐसे में बिल्कुल सवाल है। हाँ, तो वो उन लोग को लेकर के क्या कहना चाहती है? आप जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या एटीएस ने इन सारे सवालों के बारे में पूछा, इसकी कोई पूछताछ हुई? ये बातें बेबुनियाद थी, जो मेरे दोस्त बताई जा रही है वो मैं उनको जानती तक नहीं, वो कोई भी यूट्यूबर कहाँ की भी, मैं जिंदगी में कराची सिंध से बाहर कभी गई नहीं, वो पता नहीं कहाँ की, लाहौर की, पता नहीं कहाँ की झूठ फूट बोल रही है, उन बातों का कोई वजूद नहीं। मैम एक और बात मैं आप लोगों से कहूँगी, मेरे पापा मेरे भाई सम्मान को मेरा बॉयफ्रेंड मेरा दोस्त बताया गया, इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाई थी। कुछ आत्मसम्मान होता है, इंसानियत होती है। मेरे बाप उनके साथ हमारे यहाँ मेरे लड़के की बर्थडे थी, हम नाच रहे हैं गाने पे, मुझे लहंगा पहना हुआ, सबने कहा उनकी बैकग्राउंड भी देखे तो आर्मी की बैकग्राउंड नजर आती है। आपके हाल ही में पोस्ट किए गए तमाम वो वीडियोस, इतने आपके फॉलोअर्स हैं, चार लोगों को आप सिर्फ फॉलो करती हैं? मेरा अकाउंट पहले प्राइवेट है, अच्छा, एक दिन के अलावा कोई फ्रेंड नहीं, हाँ, तब जाके मैंने आज तक लेकिन सीमा एक बात और कही जा रही है कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट कई इंडियंस को भेजी थी और उसमें से कुछ भारतीय फौजी भी थे। मैंने एक को भी मैम फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनी तरफ से सेंड नहीं करी, मुझे हजारों की तादाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। अब पहले मेरे सिर्फ पांच फ्रेंड थे, सिर्फ पांचों मेरे हमदर्द की अपनी आईडी थी, एक मेरे बेटे की, दो हमारी पबजी की आईडी थी, वो सारी मेरी अपनी ही आईडी में मैं फ्रेंड थी और मेरा अकाउंट लॉक था मेरा। ये अभी मैंने पब्लिक करा, जब मैंने पब्लिक करा तो ढेरों सारों की रिक्वेस्ट आई हैं और मैं तो चलाती भी नहीं, मैं किसी और के फ़ोन में लॉगिन करी थी। अच्छा, आपके भाई को लेकर जो था कि वो फौज से जुड़ा हुआ है, आपके रिश्तेदार जो फौज से जुड़े रहे हैं, यही वजह है कि सारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आपसे सवाल हो रहे हैं कि क्या आप किसी मोटिव के साथ भारत आई हैं? ऐसा कुछ नहीं है मैम, हम बात करते थे, मेरा भाई तब मजदूरी करता था। हाँ, हमारी जब बातचीत शुरू हुई तब मेरा भाई मजदूरी करता था, एक मजदूर था। जब उन्हें कोई जॉब ना मिली तो अभी 2022 में, मतलब मेरे बाप पापा की फौत मतलब डेथ होने के बाद कुछ दिन पहले, तो पाकिस्तान फोन के सिम, वो सिम क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, जो वो फोन था, चार फोन आपने आपके पास थे, नीला सलेटी रंग का, काले रंग का, बताऊंगी मैं बिल्कुल। एक मेरा रिनो 6 फ़ोन था, हम दोनों, इन्होंने यहाँ रिनो 6 लिया, मैंने पाकिस्तान में, जब हमारी मोहब्बत चोट पे थी, हम दोनों एक जैसा फ़ोन चलाने का सोचा था, तो वहाँ मेरे उसमें हमारी बहुत सारी वीडियो यादें हैं, तो वो टूट गया तो मैंने छुप रख दिया वहाँ पे, तकरीबन 40,000-35,000 इस तरह बोल रहे थे कि नहीं LD आ गया, अच्छा फ़ोन था मेरा, तो इन्होंने कहा यहाँ ले आओ, यहाँ सस्ते में बनेगा, हम बनवाएंगे, वो मैंने रख दिया था, तब से पड़ा हुआ था 2022 से लेकर, तब से पड़ा हुआ था। मैंने पोको X3 लिया, एक मेरे लड़के का था। लेकिन सीमा, आपने ये सब कुछ इसलिए तो नहीं किया कि आपको सोशल मीडिया स्टार बनना था, उससे कमाई करनी थी? हम मैंने ज़िंदगी में कभी फ़ोटो भी पब्लिक नहीं करी, कभी फोटो भी पब्लिक नहीं करी, जब मैं मीडिया में आई सबने देख लिया तो मैंने देख लिया सब कुछ। और ये कोड क्या है, कुफी फल, ये सब क्या है, जो शब्दों का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है, जो चैट में बातचीत है? मैंने करी है कुफी फल, मुझे इनका पता ही नहीं है मैम, ना मैं मीडिया देख पा रही कि मेरा फोन नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आपको स्लीपर सेल की तरह यूज करना चाहती है? अगर ऐसा कुछ भी हुआ मैं यही हूँ, मेरे साथ जो चाहे आप लोग करना, तब आप लोग मुझसे। लेकिन अब तो आपको पाकिस्तान डिपोर्ट करने की बात हो रही है ना? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे आप? ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगी भारत मुझे जानबूझ के मरने के लिए, मैं नहीं जा पाऊंगा। अभी क्या क्या सवाल हुए, कितने सवाल हुए आपसे? मैम बताया शुरू से लेकर आखिर तक, पैदा होने से आज तक का सवाल मुझसे करेंगे। ठीक है, मैं बता सुबह से लेकर शाम तक बताऊंगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया स्टार बनने की तमन्ना नहीं थी ये कह रही है सीमा हैदर, और कह रही है कि अगर उन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो बिल्कुल पाकिस्तान जाना नहीं चाहती है। ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। एटीएस से जो पूछताछ हुई है उसका सीमा हैदर ने वन बाय वन जवाब दिया है, लेकिन वो एक बात पुख्ता तौर पर कह रही है कि वो किसी भी हाल में
पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सीमा हैदर के घर पर इस वक्त हम रब्बूपुरा में मौजूद हैं, मेरी सहयोगी सुरभि भी मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस का किस कदर जमावड़ा लगा हुआ है। मीडिया की कई टीमें यहाँ पर सीमा हैदर से बात करना चाहती हैं, लेकिन सीमा हैदर ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो ये सब कुछ सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए नहीं कर रही थी, सचिन के प्यार में कर रही थी। और यही वजह है कि समीर, ये जानना बहुत जरूरी था कि इतने घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद किस तरीके के सवालों का सामना सीमा ने किया है। यही सवाल किया, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर भी सब यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम टीम्स को भी यहाँ पर जिस शक के बिना पर सीमा से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, अभी तक की उसकी गतिविधियाँ क्या रही हैं, किन लोगों के वो कांटेक्ट में रही है, फोन के जरिए भी जिस तरीके से हमारी सहयोगी ऋतु ने सवाल किया कि आखिर किस तरीके के सवालों का सामना आपने किया है, हमने जानने की कोशिश की उन मोबाइल फोन के बारे में। चार मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामद हुए थे, जिसमें से तीसरा मोबाइल फोन का सिम को उसने, वो सिम नहीं था, उस डेटा को ट्रीप किया गया, तो इन्वेस्टिगेशन में कई बड़े खुलासे हुए, इसी को लेकर हमने समीर सवाल किया। एक बात और उन्होंने महत्वपूर्ण कही, क्योंकि ये बात बार-बार कही जा रही थी कि क्या भारतीय फौजियों को भी उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, इससे सीमा सीधे तौर पर इनकार कर रही है। उनका ये कहना है कि इंडियंस को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, भारतीय फौजियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, ये बड़ी बातें सीमा हैदर की तरफ से कही गई। बिल्कुल, और यहाँ देखिए किस तरीके से सीमा के घर, और समीर और सुरभि लगातार बने हुए हैं, ऋतु रोहिणी ने भी सवाल किए सीमा से। ये पहला इंटरव्यू था सीमा की, पूछताछ हुई एटीएस के बाद, उसके बाद ये पहला इंटरव्यू था।